भारत के जाने माने क्रिकेटर तालीमी काबिलियत से महरूम। हार्दिक पांड्या नवी जमात में फेल हुए जबकि तेंदुलकर ने भी कई बार इंटर का इम्तहान दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह भारत के स्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई नामवर खिलाड़ी भी क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट की मसरूफियात के बायस अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सके। इन खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या, जहीर खान, राहुल द्रविड़, कपिल देव और MS धोनी भी शामिल हैं, जिन्होंने सैकड़ों बार मुल्क का सर फखर से बुलंद किया लेकिन खेल की खातिर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का इन्हें वक्त नहीं मिल सका। भारत में एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होने के बायस वाजबी तालीम के खिलाड़ी भी फरफर इंग्लिश बोल लेते हैं, जिसके बायस ऐसा लगता है कि शायद वो तालीम के मैदान में भी अच्छे तालबे इल्म रहे होंगे, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। सचिन तेंदुलकर ने 12वीं तक तालीम हासिल की। हार्दिक पांड्या ने 9वीं में फेल होने के बाद स्कूल छोड़ दिया। जहीर खान इंजीनियरिंग कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं। राहुल द्रविड़ का MBA भी अधूरा रह गया। कपिल देव भी कॉलेज अधूरा छोड़ गए। MS धोनी अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर सके। जहीर खान इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिबे इल्म थे लेकिन भारतीय टीम में शमूलियत के बाद इनके पास तालीम मुकम्मल करने का वक्त नहीं बचा। 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय कप्तान कपिल देव ने भी एथलीट की जिंदगी में मुकम्मल तौर पर जाने के लिए कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। इनकी कामयाबियों की बुनियाद पर कह सकते हैं इनका फैसला दुरुस्त था। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर मुबैना तौर पर इंटरमीडिएट के इम्तहान में मुतअद्दद बार नाकाम रहे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाद में वो पास हुए और उन्होंने मुंबई के शारदा शरम विद्या मंदिर स्कूल से सिर्फ 12वीं जमात तक तालीम हासिल की। इसके बाद 16 साल की उम्र में उन्होंने मुल्क के लिए खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने जिस मेहनत से अपनी सलाहियतों को निखारा वो हम सबके सामने है। उन्होंने अपने खेल से कई बार मुल्क को फखर महसूस कराने का मौका दिया। फास्ट बॉलर जहीर खान ने HSC का इम्तहान 83% के साथ करके परवारा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी सीट हासिल की। जब इन्हें मुंबई के अंडर-19 टीम में खेलने के लिए मुंतखब किया गया तो इनके वालिद ने इन्हें कॉलेज जाने की बजाय अपने खेल पर ज्यादा तवज्जो देने की इजाजत दी। इसके बाद वो खेलों में पूरी तरह मशगूल रहे। भारतीय टीम के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ मैदान और क्लासरूम दोनों में यकसां बासलाहियत थे। स्कूल से पास आउट होने के बाद द्रविड़ ने सेंट जोसेफ कॉलेज से कॉमर्स ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। इसके बाद MBA करने का इंतखाब किया। MBA के दौरान इन्हें टीम इंडिया से फोन आया तो उन्होंने खेलों का इंतखाब किया। धोनी ने अपनी स्कूल की तालीम DAV जवाहर विद्या मंदिर स्कूल से हासिल की। उन्होंने 10वीं में 66% और 12वीं में 56% नंबर हासिल किए। 1999 में उन्होंने गॉसेस कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा के जरिए BCom में दाखिला लिया लेकिन मसरूफियात की वजह से कोर्स में बाकायदगी से नहीं पढ़ सके, इसलिए इन्हें कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिल सकी। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक सादा घराने से थे। वो 9वीं जमात का इम्तहान पास नहीं कर सके, फिर स्कूल की फीस अदा करना एक मुश्किल काम था। फेल होने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और क्रिकेट पर तवज्जो दी और आज इनका शुमार भारत के अमीर तरीन खिलाड़ियों में होता है।